मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइज, आज हम देखेंगे दिव्य संदेश हमारे लिए क्या है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल ये देखिए वीडियो, हो सकता है उन प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथाय नमः। देखते हैं, आप अपने मन में क्वेश्चंस रखिए, देखते हैं दिव्य संदेश यानी यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और पॉजिटिव रहिएगा। जनरल रीडिंग है, यदि आपसे जो रेजोनेट करे आप रखिए, जो नहीं करता वो छोड़ दीजिए। हमारा फर्स्ट कार्ड सेकंड थर्ड फर्स्ट कार्ड देखते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 बार पूछ लीजिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या हो सकता है और क्या मैं सफल होऊंगा। जब ये गहराई से सोचने पर इस प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़िए। यानी हो सकता है कोई फाइनेंशियल यानी कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं आप, या कुछ चीज सेल करना चाहते हैं, तो अगर शुरू जो काम करना चाह रहे हैं आप, शुरुआत करना चाह रहे हैं, यदि आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर और नॉलेज है पूरा उस चीज के बारे में, तो ही आप काम शुरू कीजिएगा। अपने आप से बोला गया है, ये कुबेर भगवान का कार्ड आया है आपके लिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है तभी वो काम शुरू करिएगा। और घर में आप प्रतिदिन डेली कपूर जलाइए जिससे पॉजिटिविटी आए, और जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है आपके यहाँ आपके दिमाग में या उसमें है तो वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं कार्ड क्या निकला है। श्री राम का निकला है, आप अभी उलझन और दुविधा में है, आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है, नया काम शुरू करने से पहले किसी गुणी व्यक्ति से परामर्श जरूर करें और फिर फैसला लें। हो सकता है गाइस, बहुत क्लियर संदेश है ये राम जी का, आप किसी चीज को लेके उलझन में हैं और वो करना भी चाहते हैं और आपको वो चीज आती भी नहीं है ठीक से, तो सबसे पहले वो काम शुरू यानी हो सकता है कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो उस बिजनेस के बारे में पता कर ले, नॉलेज बटोर ले, उसके बाद वो काम करना शुरू करें। या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं उसके कारण आपको, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो पहले वो ट्रेनिंग कर ले उसके बाद वो काम में हाथ डाले। बहुत क्लियर संदेश है राम जी का कि आप जिस उलझन में हैं सबसे पहले वो उलझन को दूर कीजिए और जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है और वो काम करना चाहते हैं तो नॉलेज बटोरिए और फिर काम शुरू कीजिए। आपका उपाय, आपको रोज अपने माथे पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना है जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा गाइस, और आपको आपका रास्ता बहुत क्लियर दिखने लगेगा कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। तीसरा कार्ड है माँ काली का, बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है, ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोलियों में खुशियों से, आपकी झोली खुशियों से भरने वाला है। अब देखिए गाइस, ये किसी तरह की भी हो सकता है, कुछ औरतें जो कंसीव नहीं कर पा रही थी माँ बनने वाली हो, उनको गुड न्यूज मिल जाए कि हाँ आप माँ बनने वाले हो, आप पिता बनने वाले हो। हो सकता है, हो सकता है किसी का पैसा रुपया काफी टाइम से अटका हो या ऐसी गरीबी की जिंदगी बिता रहा हो, अच्छा समय ऐसा आ जाए कि फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रांग हो जाए, है ना। तो कुछ भी ऐसी गुड न्यूज ईश्वर की साइड से आप लोग के पास आने वाली है, खुश हो जाइए। उपाय, आपको क्या करना है, प्रातः काल सारे घर की साफ सफाई शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं, इससे हमेशा शुभ शक्तियां ही घर में प्रवेश करेंगी। यानी पॉजिटिविटी के लिए सुबह उठ के सबसे पहले घर की साफ सफाई कीजिए और बंधनवार लगाइए अपने मेन गेट पे। नेक्स्ट है, अपने बच्चों
को थोड़ा समझने की कोशिश करें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। उनको इस समय आपके स्नेह की ज़रूरत है, हो सकता है आपकी आपके बच्चों से नहीं बनती हो, आप समझ ही नहीं पा रहे उनको, हो सकता है टीनेज बच्चे हों या अभी बड़े हो रहे हैं, है ना। तो उनको डांट के डरा के आपको काम नहीं करना है। उनकी सोच क्या है किसी चीज को लेके, हो सकता है आप लोग के बीच में अनबन हो रही हो, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो आपको ये देखना है कि उनकी सोच उस चीज के लिए क्या है। अगर वो सही नहीं है, वही चीज आप अच्छे से प्यार से उनको एक्सप्लेन करिए, ना कि डरा के चिल्ला के गुस्सा करके। अदरवाइज गाइज, और आपके और बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी और जो काम होना है और वो जो सुनते भी थे वो भी ना सुनेंगे आपकी। तो प्यार से बहुत क्लियर संदेश है हनुमान जी का, प्यार से उन्हें समझाइए। उपाय, हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर हर मंगलवार को और शनिवार को बच्चे के माथे पर लगाएं, और जिससे उनकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। गाइस, जो मैं उपाय बता रही हूँ, यदि आपको ऐसा लग रहा है मैं जल्दी बोल रही हूँ तो आप वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्थितियों से समझौता करना सीखे। यह समय आपके लिए थोड़ी कठिनाइयों से भरा है। किसी के कहे के हिसाब से ना चले, आगे चलकर अवश्य ही सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है आपके घर में ये बहुत क्लियर ऐसा लग रहा है फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आपके पार्टनर से चल रही हो, आपके पेरेंट्स से, आपके लॉज से चल रही हो, आपके भाई बहनों से चल रही हो, आपस में चल रही, लेकिन ये घर की ही बात है गाइस, घर में ही अशांति यहाँ क्लियर दिख रही है। तो जो ये टाइम है ये भी गुजर जाएगा, जो कल था आज वो नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। तो इतना आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना है और किसी की बातों में नहीं आना है, और किसी की बातों में आके अपनी फैमिली मेंबर को नीचा नहीं दिखाना है गाइस। बहुत क्लियर साईं बाबा का संदेश है। उपाय के लिए आप क्या करें, जो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आ जाए उसके लिए कांच के कटोरे में समुद्री नमक भरकर घर में के शौचालय और स्नान घर में रखना चाहिए। इसके आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी, यानी अपने बाथरूम में आप समुद्री नमक होता है ना, वो कांच के एक बाउल में भर के रख दीजिए, जिससे कि निगेटिविटी खत्म होगी और घर में जो चिक चिक कट कट चालू है वो भी खत्म हो जाएगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बिना थके और रुके आगे बढ़ते रहे, ना शब्द अपनी जिंदगी से हटा दे, आपको शीघ्र ही चमत्कारी हल प्राप्त होने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप किसी चीज में लापरवाही कर रहे हो, है ना, काम चोरी कर रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप कर ही नहीं सकते, आप बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। तो जो ना वर्ड आपने अपनी लाइफ में रखा है उसको हटाइए, हर काम आप कर सकते हैं गाइस, हर काम कर सकते हैं, और मेहनत और ईमानदारी से काम करिए। जो भी काम कर रहे हैं आप उसका रिजल्ट फिर अपने आप ही देखेंगे। उपाय, दिन में 21 बार इस सकारात्मक विचार को दोहराए, मैं बहुत ही मेहनती हूँ, सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, यानी कि आप काम चोरी कर रहे हैं, आलस दिखा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। बहुत क्लियर कार्ड में आ गया है, उपाय आपको बता दिया गया है। और यदि आपको फिर भी लग रहा है कि बहुत जल्दी मैंने बता दिया, तो प्लीज आप वीडियो में वापस शुरू से देख सकते हैं उसको, धीरे से धीरे करके इस चीज को गाइज स्किप मत करिएगा आप। तो प्लीज इसको देखिएगा वीडियो वापस, रिमाइंड कर करके देखिएगा जो भी उपाय आपको मैंने बताए हैं। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी, पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा इस, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।